गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कल्पेश पाटिल, योर सोशल साइंस टीचर. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री. सो इन द लास्ट लेक्चर वी सॉ दैट द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी प्लेस आर क्लोजली इंटररिलेटेड विथ ईच अदर, है ना स्टूडेंट्स. हमने देखा था कि किसी भी जगह का जो ज्योग्राफी है, ठीक है, मतलब उसका जो भौगोलिक स्थान है और फिर उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, बरोबर. तर विद्यार्थ्यांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की कसा प्रत्येक जागेचा भूगोल म्हणजे त्याचं भौगोलिक स्थान आणि त्याच्याशी संबंधित इतिहास हे दोघांशी एक त्यांचा एक जवळचा संबंध असतो, ठीक आहे. दे आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर. त्यानंतर आपण बघितलं होतं कि जॉग्राफिकल कंडिशन्स एंड हिस्ट्री, ओके, कि कशा ज्याप्रमाणे एखाद्या जागेची भौगोलिक परिस्थिती असेल किंवा भौगोलिक स्थान असेल त्यानुसार त्याचा इतिहास असेल, है ना स्टूडेंट्स. हमने ये भी देखा था कि जैसा भौगोलिक उसका स्थान होगा, जॉग्राफिकल लोकेशन होगा और जॉग्राफिकल फीचर्स होंगे, उसके हिसाब से उसका हिस्ट्री होगा, ओके. सो देन वी सॉ हाउ द चेंजेस इन लाइफ स्टाइल ऑफ द अर्ली मैन एंड हिज टेक्नोलॉजी वेर रिलेटेड टू चेंजेस इन हिज सराउंडिंग, ठीक है ना. तो अब हमने ये भी देखा था कि कैसे सराउंडिंग में चेंज होगा तो फिर अपना लाइफ स्टाइल चेंज होगा और अपना कल्चर, सब अपना लाइफ स्टाइल में सभी चीज़ आएंगे, ठीक है. अपना रहने की जो पद्धति होगी वो सब, जैसे जैसे टाइम बदलेगा या फिर अपना सराउंडिंग बदलेगा वैसे उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अभी बहुत पुराना है, पहले चलता था, अभी कुछ मशीनरीज आ गई तो ये बंद हो गया. और फिर ये मास्क क्यों पहना है, क्योंकि सराउंडिंग में चेंज हुआ, सराउंडिंग में एक वायरस है, कोरोना वायरस, तो उसको रोकने के लिए हम मास्क पहन रहे, ट्राई कर रहे कि वो आए नहीं बॉडी में, ठीक है, है ना विद्यार्थ्यांनो. जैसे कि इथे है आधीच्या काळात हे चालायचं असं, आता याच्या जागी काही मशीनरी आली आहे त्याच्याने ते काम होतं. आणि कोरोनाबद्दल तर आपल्याला माहिती आहे की मास्क का घालायचं, आपल्याला का घालायचं आहे मास्क, की आपण कोरोना जो व्हायरस आहे, विषाणू आहे, त्याने आपण इन्फेक्ट होणार नाही, ठीक आहे, त्याची बाधा आपल्याला होणार नाही आणि आपल्याला तो आजार किंवा रोग होणार नाही, बरोबर. नाव हिस्ट्री इज अ कोहरंट अकाउंट ऑफ सिग्निफिकंट पास्ट इव्हेंट, हे सुद्धा, हे भी हमने देखा था की हिस्ट्री में सारी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही इंक्लूड करते हैं, सभी चीज़ें, सभी इवेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, बट जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी एक कोहेरेंट होता है, मतलब उनका भी लिंक होता है, ठीक है ना. हिस्ट्री में वो क्रोनोलॉजिकली पहला कौन सा हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक के बाद एक वो अरेंज होता है, ठीक है. तर विद्यार्थ्यांना आपण बघितलं की इतिहासात सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड नसतात, महत्त्वाच्या गोष्टी इन्क्लूडेड असतात, आणि पण त्या ज्या महत्त्वाच्या आहेत त्यांच्यामध्ये काही ना काही रिलेशन असतं, ओके. सो टाइम, प्लेस, सोसायटी अँड इंडिव्हिज्युअल्स आर द फोर मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री. हे भी देखा था स्टूडेंट हमने की टाइम, प्लेस, सोसायटी अँड इंडिव्हिज्युअल्स, ठीक आहे. तर हे चार महत्त्वाचे आपले हिस्ट्रीचे मेजर पिलर्स आहेत, त्याच्याशिवाय आपण हिस्ट्री लिहू नाही शकत, ओके. नाव वी विल स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. सो ऑफ दीज फोर कंपोनंट्स, प्लेस इज रिलेटेड टू द ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है. सो एज वी कांट राइट हिस्ट्री विदाउट प्लेस, सो इन दिस सेंस ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर इनसेपरेबल, ठीक है. तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनसेपरेबल कैसे होंगे, देखिए चार पिलर कौन से हैं, टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, ठीक है, सही है. ये देखिए टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, तो उसमें अभी प्लेस जो है, प्लेस दैट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और हम ये चार पिलर के बिना हिस्ट्री नहीं लिख सकते, तो प्लेस के बिना भी हिस्ट्री नहीं लिखेंगे. एंड प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर वेरी इनसेपरेबल, दे आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड, ओके. तो इस तरीके से वो इनसेपरेबल है, मतलब एक दूसरे से वो अलग नहीं हो सकते, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना विद्यार्थ्यांनो. ज्या जागेचा जे स्थान है, ठीक है, ते स्थान आणि त्या जागेचा इतिहास हे इनसेपरेबल आहे, म्हणजे आपण त्यांना एकमेकांपासून वेगळे नाही करू शकत, ठीक आहे. प्लेस म्हणजे स्थान, हे भूगोलाशी संबंधित आहे आणि स्थानाशिवाय ते जे पर्टिक्युलर प्लेस आहे त्याशिवाय आपण त्या
जागेचा इतिहास नाही लिहू शकत, हो की नाही? त्यामुळे मग त्या दृष्टीने इतिहास आणि भूगोल हे इनसेपरेबल आहे, म्हणजे एकमेकांपासून वेगळे नाही करू शकत. ओके, सो हिस्ट्री इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडिशन इन मेनी वेज. ठीक आहे, तर वेगवेगळ्या स्थानांचा, ठीक आहे स्टूडेंट, जो जो अलग अलग प्लेसेस होंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा, उसके हिसाब से उसका हिस्ट्री होगा. ये तो हमने पहले भी देखा. तो कैसे होगा? सो अवर डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, तो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड होगा अपना डाइट. ठीक है, मतलब हम क्या खाएंगे. अगर कोस्टल रीजन में है तो वो नॉनवेज फिश उनको खाना है, मतलब वो प्रेफर करेंगे क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ग्रेन्स वगैरह नहीं मिले उनको. सो स्टूडेंट्स, फिर अगर कोई कोस्टल रीजन में है तो वो अलग फूड खाएंगे, और कोई कोस्टल रीजन से दूर है, हिली एरिया में है, तो वहाँ पे जो अवेलेबल है वो खाएंगे. कोई प्लेन एरिया में है, वहाँ पे कैटल्स भी है, तो मिल्क भी इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में. फिर उसके साथ वहाँ पे फ्रूट्स भी उगेंगे तो फ्रूट्स भी खाएंगे. ठीक है, और वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रेन्स रहेंगे तो उनके जो फूड में ये ऐड होगा, चपाती है ना, ये सब ऐड होगा. ठीक है विद्यार्थ्यांनो, ज्याप्रमाणे आपलं ज्योग्राफिकल लोकेशन असेल त्यानुसार आपलं जे जेवणातील पदार्थ आहे त्यानुसार ते बदलतील. ठीक आहे, जे समुद्र किनारी राहतात ते लोक भात मासे त्यांना ते जास्त अवेलेबल आहे. जे मैदानी प्रदेशात राहतात तिथे गुरंही असतील तर ते दूध त्यांच्या अन्नात इन्क्लूड करतील. नंतर हे आपल्याकडे क्रॉप्स जास्त उगत असतील तर ग्रेन्स, त्याच्यात मग आपण चपाती, पोळी, भाकरी आपल्या डाएटमध्ये इन्क्लूड करू. ठीक आहे, तसंच जर कोणी थंड प्रदेशात राहत असेल तर ते उबदार कपडे घालतील, आणि जर कोणी गरम उष्ण प्रदेशात राहत असेल तर ते सुती कपडे घालतील. ओके, सो लाईक दॅट. ठीक आहे स्टुडंट्स, अगर कोई ऐसा जहाँ पे ज्यादा हीट है तो वहाँ पे वो उस तरीके को जैसे उनको सूट करेगा उस टाइप में वो सूती कपड़े प्रेफर करेंगे, और कोई विंटर मतलब कोल्ड रीजन में रहेगा तो वहाँ पे वो वार्म क्लोथ्स प्रेफर करेंगे. ठीक है, इस तरीके से वैसे ही अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हाउसिंग होगा, मतलब रहने की जगह होगी, और ऑक्यूपेशन, तो ठीक है, तो कोई फार्मर होगा या फिर कोई अलग अलग उनके हो सकता है, कोई फिशरमैन है, कोई मेंटेनेंस का काम करता है, या फिर कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे लॉयर है, कुछ भी. ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा उनका लोकेशन है, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जहाँ प्रमाणे आपला अन्न, ठीक है, खाद्य पदार्थ आणि घर कपड्यांची कपडे घालण्याची पद्धती ही जी चेंज होते, बदलत जाते ज्योग्राफिकल लोकेशन प्रमाणे, तसंच आपलं घर व्यवसाय हे सुद्धा लोकेशननुसार बदलतो. ठीक है, द लाइफ ऑफ पीपल इन हिली रीजन इज मोर स्ट्रेनस दैन दैट ऑफ द पीपल ऑन द प्लेन्स. ठीक है, स्ट्रेनस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि वहाँ पे अच्छे से रास्ते नहीं होंगे तो उनको चलना ही पड़ेगा, है ना, इतने ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, तो वो चलेंगे तो उनका उतना समय भी जाएगा और उतना मेहनत भी लगेगा. बट प्लेन्स में ऐसा नहीं होता. ठीक है, प्लेन्स में सब रहेगा आपके पास, रोडवेज, रेलवेज, है ना विद्यार्थियों, प्लेन एरिया में आपल्याकडे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज सब होगा तो लाइफ आसान होगा. ठीक है, और फिर जो अपना हिली रीजन है ज़्यादा, वहाँ पे फर्टाइल लैंड इज नॉट अवेलेबल इन हिली रीजन. ठीक है, बट प्लेन्स में वो ज़्यादा अवेलेबल होता है. तर विद्यार्थ्यांनो, हिली रीजन म्हणजे डोंगराळ प्रदेशात जास्त सुपीक जमीन अवेलेबल नसते, तर तिथे कमी प्रमाणात जे आहेत आपले पिकं उगवतील. ठीक आहे, त्यानंतर मग तिथल्या लोकांना काहीतरी खावंच लागेल, तर ते खाण्यासाठी मग हंटिंग म्हणजे शिकारी करतील, शिकार करतील प्राण्यांची, किंवा मग जे जे तिथे जंगलात त्यांना सापडेल ते गोळा करतील. ठीक आहे, सो दॅट इज वाय ग्रेन्स अँड व्हेजिटेबल्स आर स्कार्स इन हिली एरियाज. स्कार्स मतलब क्या, कि कम मात्रा में वो मिलेगा, जितनी जरूरत है उससे कम. ठीक है, तो ये हो गया अपना कि विद्यार्थ्यांनो, कमी प्रमाणात तिथे त्यांना मिळेल. इन कंपैरिजन पीपल ऑन द प्लेन्स गेट देम इन सफिशियंट मेजर. ठीक है, जो मैदानी प्रदेश में जो लोग रहेंगे, प्लेन्स में जो रहेंगे, तो उनको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू हिली रीजन वालों के. ठीक है, ओके, तो इसलिए फिर उनके पास कम रहता है तो हंटिंग और गैदरिंग पे ज़्यादा डिपेंड रहते.
और फिर प्लेन्स में तो बहुत सारे क्रॉप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपके लिए आज का होमवर्क है कि विच फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो स्टूडेंट्स होमवर्क में और एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन होगा कि हाउ द हिस्ट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर इनसेपरेबल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एज वी कांट राइट हिस्ट्री विदाउट प्लेस, एज वी कांट राइट हिस्ट्री विदाउट प्लेस, सो इन दिस सेंस ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर इनसेपरेबल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि द लाइफ ऑफ पीपल इन हिली रीजन इज हाउ। ओके, तो मतलब कि जो हिली रीजन में पीपल है उनका जो जीवन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो आंसर क्या